हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स का पहले लेसन का लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं, जिसमें ही हम बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत यूजफुल रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके कॉम्पिटिशन लेवल के साथ साथ यूपी बोर्ड लेवल के लिए भी। ठीक, तो जो हमारा हेडिंग होगा आज का होगा वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं। तो जो हेडिंग लगा लीजिए, लेक्चर नंबर 11 होने जा रहा है। इसके पहले लेक्चर नंबर हम 10 दे चुके हैं, जिसमें आप लोग को हमने कई एप्लीकेशन कराए हैं, कई डेरिवेशन कराए हैं। लीनियर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सर्कुलर रिंग के कारण, अर्ध सर्कुलर रिंग के कारण करवाए हैं। आज जो हम पढ़ाएंगे वो लेक्चर नंबर 11 में हमारी जो क्लासें होंगी वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग होगा वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए, इसको थोड़ा समझिए क्या होता है। ये नाम से ही क्लियर है कि ये द्विध्रुव है। कितना ध्रुव है इसमें? दो ध्रुव, यानी दो सिरे होंगे। कितने शीर्ष होंगे, कितने पोल होंगे? दो पोल होंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें परिमाण में तो बराबर, पंथ प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो लिखेंगे वह निकाय, वह निकाय जिसमें परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश, जिसमें दो, सॉरी, जिसमें दो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश, दो आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसमें डिफिनेशन भी आते हैं बोर्ड में, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए आपको। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? जैसे मान लीजिए एक आवेश यहां पर प्लस क्यू हो और यहां पर क्या हो? माइनस क्यू हो। या ऐसे कह दें इधर माइनस क्यू हो और इधर प्लस क्यू हो, तो ये दो ध्रुव है। कैसे ध्रुव हैं? दो पोल हैं। अच्छा, ये बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, दो पोल हों और छोटी छोटी दूरियों पर स्थित होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? दो ध्रुव कहते हैं। यानी अच्छा, हम मान लेंगे कि दो ध्रुव के बीच की भी दूरी मानते हैं बाद में, तो दो ध्रुव हमारा यही होगा। एज एग्जाम्पल के तौर पर आप यही उतार लीजिएगा कि एक सिस्टम है, एक निकाय है, एक व्यवस्था है, ठीक, जिसमें दो आवेश होते हैं, दोनों पर परिमाण आवेश होगा। यदि एक कूलाम का है तो दोनों पर एक ही एक कूलाम होंगे, दो होंगे तो दो ही दो कूलाम होंगे, तीन होंगे तो तीन तीन कूलाम होंगे, और दोनों का परिमाण समान हो लेकिन प्रकृति क्या हो? विपरीत हो। एक प्लस हो, दूसरा क्या हो? माइनस हो, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर, कम दूरी पर स्थित हैं, स्टेबल हैं, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे अब जैसे मैं आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एच सी एल, ये द्विध्रुव है। क्या है? द्विध्रुव। कैसे? जब इसको हम तोड़ते हैं तो यच पर धन आयन आता है और सीएल पर क्या आता है? ऋण आता है। दोनों पर एक ही एक आवेश है, नेचर समान है, एक प्लस है दूसरा, सॉरी, नेचर अपोजिट है, विपरीत है, दोनों की प्रकृति एक प्लस है दूसरा माइनस है, इसीलिए हमने क्या नाम दिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। उसके बाद एच बी आर, हाइड्रोजन पर एक प्लस आएगा, ब्रोमीन पर एक माइनस आएगा, ये भी हमारे क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। और क्या ले सकते हैं? H2O, H2O पर हम देखेंगे कि H पर एक प्लस होता है तो OH पर हमारा एक माइनस होता है, क्लियर। तो ये भी क्या है? वैद्युत
द्विध्रुव है। तो ये सब वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, दोबारा सुनिए। यह एक सिस्टम है, एक निकाय है, ठीक है। क्या एक निकाय है जिसमें दो आवेश होते हैं और एक प्लस होगा एक माइनस होगा, लेकिन दोनों का परिमाण मैग्नीट्यूड वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। ये दोनों तरफ एक एक कूलाम का है तो एक है एक कूलाम होंगे, दो हैं तो दो कूलाम होंगे, क्लियर। और कम दूरी पर स्थित हो, सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, अल्पतम दूरी पर हो, तब हम ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। चलिए नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, फर्स्ट नोट हो गया, मिटाए, चलिए मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव कौन सी राशि है, अदिश या सदिश, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, तो कुछ भी नहीं होता इसका, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है। किसी सिस्टम का जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, जैसे इसमें एक क्वालिटी आएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या आएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो वैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण होगा वही हमारा राशि होगी, उसी का मात्रक होगा, उसी की विमा होगी, अन्यथा कुछ नहीं होगा, ठीक। तो अगला हेडिंग होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक। इंग्लिश थोड़ा हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये होता क्या है इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका इसमें डेरिवेशन ज्यादा बनेंगे, लेकिन इसको समझ लीजिएगा पहले। जिससे मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, यहां पर माइनस क्यू आवेश है, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, जिसका नाम हमने ए बी दे दिया, और दोनों के बीच की दूरी 2L मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय का एक वैद्युत सिस्टम होता है, उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय के एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अल्पतम दूरी के गुणनफल को किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय के एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के न्यूनतम दूरी के गुणनफल को, सॉरी, दोनों आवेशों के बीच के अल्पतम वही तो लिखा था, सही तो था, न्यूनतम अल्पतम बात एक ही है, अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। हम ये मानेंगे, माना द्विध्रुव ए बी है, जिसके सिरों पर आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है, ठीक, व आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2L है। 2L मानने का कारण होता है, यह क्यों नहीं माना गया,
ट्वेल्व इसी मान लेते हैं, जब डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पर बीच से निकालेंगे तो यल इधर हो जाएगा, यल इधर हो जाएगा, ठीक है, यल बाई टू नहीं करना पड़ेगा हमें, इसीलिए ट्वेल्व मनाता है। अब देखिए इसमें वैद्युत उध्रुव आघूर्ण को लिखते किससे हैं, इसका मात्रक क्या होता है, थोड़ा इधर देखिए नोट कीजिए, इधर देखिए पहले, तो ये हमारा एक वैद्युत उध्रुव हुआ, हम माना कि इसके वैद्युत उध्रुव ये भी है जिसके सिरों पर माइनस की और प्लस की आवेश है, जिसकी न्यूनतम दूरी कितनी है, टू एल है। पहला पॉइंट, इसे मतलब द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर पी से लिखते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे लिखेंगे, पी से लिखेंगे। दूसरी बात, यह कौन सी राशि होगी, सदिश राशि, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब सुनिए, यदि सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होगी, किधर होगी, तो ये हमेशा माइनस आवेश से प्लस की होती, किधर से होती है, तो दिशा जो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अगली पॉइंट, इसका मात्रक क्या होगा, तो लिखेंगे इसका मात्रक, अच्छा इसका पहले फार्मूला लिख लें, फार्मूला क्या होगा वैद्युत उध्रुव आघूर्ण का, हमने क्या लिखाया डिफिनीशन में, हमने उल्टा लिख दिया भाई, हमें पहले फार्मूला लिखना चाहिए, चलो आई एम सॉरी, आप अभी मैनेज कर देता हूँ मैं। किसी एक आवेश का परिमाण, पहले आप चाहे क्यों लेना चाहे माइनस क्यों, परिमाण का मतलब चिन्ह नहीं लेना है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को न्यूनतम दूरी के अल्पतम दूरी जो गुणनफल होगा उसी को हम क्या नाम देते हैं, तो क्यू यल, इसी को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बना कि इसको देखकर हम कैसे पता लगाए कि यह सदिश राशि है, हमें कैसे मालूम है कि सदिश राशि, देखिए दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी, हम जब न्यूनतम दूरी की बात आएगी तो वहां पर विस्थापन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विस्थापन की, और विस्थापन सदैव क्या होता है, सदिश राशि होती है, इसीलिए जो टू यल है ये क्या है, एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब यदि ये सदिश है तो ये भी क्या होगा, सदिश होगा ना, इसीलिए हमने कहा कि वेक्टर पी हमारा क्या है, सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि जो न्यू अल्पतम दूरी नाम दे दिया गया, अल्पतम दूरी के गुणनफल को, यही हमारा विस्थापन बन गया, और विस्थापन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गया, क्लियर, तो ये भी हमारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है ये भी क्या बन गया, सदिश राशि बन गया। तो इसीलिए जो इसका मात्रक आया, फार्मूला आया पी बराबर टू क्यू यल, ठीक। अब इसकी हम लोग कुछ यूनिट लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, तो इसका मात्रक, इसका बोले तो ध्रुव आघूर्ण का मात्रक, किसका मात्रक, अरे बोलते रहो यार, तुम लोग जागते रहते हो, हैं दिमाग है। चलिए इसका मात्रक क्या होगा आवेश का, कूलाम, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, तो ये कूलाम मीटर होगा, किस पद्धति में होगा, एसआई सिस्टम में होता है, किस सिस्टम में होता है, इसका एक मात्रक और होता है, इसका एक मात्रक होता है डेबाई, क्या होता है, डेबाई, डेबाई होता है। अब ये कह सकते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा मात्रक होता है, सॉरी छोटा मात्रक है, इसको हम सीजीएस पद्धति में कह सकते हैं, सर सीजीएस में तो इसका भी बन सकता था यार, चलो डेबाई को बाद में रखते हैं। कूलाम का क्या होगा सीजीएस में, स्टेट कूलाम, अरे कूलाम का क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है ना, और मीटर का क्या होता है, ये हमारा बना सीजीएस में, क्या बना, अच्छा बताइए एक स्टेट कूलाम में कितना होता है, एक स्टेट कूलाम में कितना कूलाम होता है, बोलो, नहीं मालूम, 96500 कूलाम होता है, नहीं होता है, ये सब भूल गए क्या, पहला लेक्चर देखो मिल जाएगा वहां पर, ये हमारा स्टेट कूलाम हो गया सीजीएस में। इसका एक मात्रा होता है डेबाई, क्या होते हैं, डेबाई, और एक डेबाई जो होता है ये आपको सभी बुकों में नहीं मिलेगा, 3.30 × 10⁻³⁰
कूलाम मीटर। मतलब क्या निकला कि इसको हम नीचे लाएंगे तो ये सेंटीमीटर में इतना डिवाइड होता है, यानी ये हमारा छोटा मात्रक है। कैसा मात्रक है? छोटा मात्रक है। कैसा मात्रक है? एक डिवाइड बराबर 3.30 × 10⁻³० कूलाम मीटर है। क्लियर है? बोलिए, इसकी बीमा निकाल लेते हैं। चलिए बीमा देखते हैं कैसे निकलता है। कूलाम को हम क्या बताए थे? क्यू बराबर आई इंटू टी बताए थे। बोलिए, इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक टाइम, तो क्या बनाए? ए इंटू टी। उसके बाद मीटर यानी लेंथ, तो बीमा क्या आ गई? ये एल टी। थोड़ा इज्जत से लिखना चाहिए तो एम पावर जीरो, एल पावर वन, टी पावर वन, ए पावर वन, यानी एम एल टी ए के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे। ये थोड़ा इज्जत दे दिया हमने इसको, ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे दिया। तो ये क्या रहा बीमा? तो दोबारा सुनिए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी वैद्युत ध्रुव निकाय के एक आवेश का परिमाण दोनों आवेशों के बीच के न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हम मानेंगे द्विध्रुव ए भी है जिसके सिरों पर माइनस की और प्लस की आवेश रखा है, जिनके बीच की दूरी अल्पतम दूरी 2L है। क्लियर? द्विध्रुव हमने एक बनाया, हमने कहा यह एक, इसे P से लिखते हैं, वैसे हमें पहले फार्मूला बताना चाहिए। P बराबर 2 × QL, ये हमारा सदिश है, इसीलिए ये भी सदिश रहा, सदिश रहा इसीलिए इसमें दिशा बताया गया। दिशा हम कहेंगे माइनस से प्लस की ओर, ये वेक्टर P होगा और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी। इसके मात्रक पर गए हम लोग, ये साहित्य पद में पढ़े, कूलाम मीटर होता है, ये हमारा स्टेट कूलाम होता है, सीजीएस में होता है। एक अन्य छोटा मात्रक है, हम श्योर नहीं है कि ये सीजीएस में है कि किस में है, लेकिन ये छोटा मात्रक है क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि हाँ ये छोटा मात्रक होगा, क्योंकि इधर आएगा तो बहुत बड़े मिलकर इतना तब इतना बनेगा, मतलब ये बड़ा ये छोटा मात्रक होगा, डिवाई भी इसका मात्रक होता है। और बीमा हमने लिखा ये इंटू टी इंटू यल होता है। ठीक, इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करने चल रहे हैं फास्ट, उसके बाद डेरिवेशन का लेक्चर अगला लेक्चर बनेगा। आज हम इस पर काफी कुछ अच्छे अच्छे, चलिए दोस्तों यहाँ एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, देख लीजिए, सॉरी यार ध्यान नहीं रह गया था। ये जो स्टेट कूलाम होता है, एक फैराडे होता है, एक जो फैराडे होता है वो 96500 कूलाम के बराबर होता है, और जो वन स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है वो जो होता है वो 3 × 10⁹ एक कूलाम जो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा हम भूल गए थे, सॉरी यार मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इसको आप नोट कीजिए। हम अगला मतलब इस पर कुछ न्यूमेरिकल करने चले हैं, क्वेश्चन करने चले हैं, चलिए नोट कीजिए। क्लियर? नोट कीजिए फास्ट। चलिए देखिए बच्चों, हम जो द्विध्रुव पढ़े हैं, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं, उन पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आज, कुछ सवाल दो चार लगा लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम पहले ले रहे हैं, एच सी एल अणु में एच धनायन व सी एल ऋणायन के बीच की दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम, तो इनके बीच का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखें, ये से धनायन हुआ, ये सीएल ऋणायन हुआ, दोनों के जो बीच की दूरी है वो 0.2 एंगस्ट्रॉम है। क्लियर? हमें निकालना है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो इस पर आवेश का मान कितना है बताइए, आवेश का मान कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बराबर आवेश है ना, और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। बोलो, उसके बाद दोनों के बीच की दूरी जो है हम 2L से लिखते थे, और है कितना? ये 0.2 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻¹⁰ मीटर आ जाएगा। क्लियर? बोलो, अरे समझ में नहीं आया क्या? आया। द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, तो फार्मूला क्या होता है? क्यू इंटू दोनों बीच की दूरी, क्यू का मान 1.6 × 10⁻¹⁹, और इसके बदले 0.2 × 10⁻¹⁰, 16 × 2 = 32, 2 अंक बाद दशमलव, क्योंकि एक यहाँ तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, और गुणे 10 के खाते देखो, -29 - 29 हो जाएगा, इसको आप हटाएंगे तो आ जाएगा 32 × 10⁻³⁰ - 31, मात्र क्या बनेगा? कूलाम मीटर। ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन इस पर और देखेंगे, एक सवाल ये है कि एक निकाय में दो आवेश, सॉरी उसके पहले हम एक फॉर्म वैसे बना के देख लेते हैं। कह रहा है एक सिस्टम बना हुआ है, इधर एक्स एक्सिस एंड सीधा वाई एक्सिस, कह रहा है यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, और यहाँ पर माइनस टू क्यू आवेश स्थित है। वो इधर की जो द्विध्रुव आघूर्ण है माइनस से प्लस की ओर, वो वेक्टर पी है, इधर भी वेक्टर पी है,
तो कह रहा है इसका टोटल वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होगा, पी नेट कितना होगा, टोटल वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें दो दो डायरेक्शन दे रखा है। यदि इस माइनस क्यू को हटाएंगे तो एक माइनस क्यू इसके लिए दे दें, एक इसके लिए दे दें, तो एक द्विध्रुव तो इधर बन गया यहां से यहां तक का, और एक इधर से इधर बन गया। बोलो तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण हम यहां पर एक पॉइंट मान लेंगे, वो इसका जो वेक्टर पी था वो इधर था और इसका वेक्टर पी इधर था। क्लियर। अब दोनों का एकदम परिणामी मान निकालेंगे तो बीच में कहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बोलो। और जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं और दोनों का परिणामी मान निकालना होता है तो फार्मूला क्या लगते हैं, देखिए अंडर रूट के अंदर पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर मॉड लगा के वेक्टर लगा लीजिए, ये हमारे फार्मूले होते हैं। तो पहला पी वन का मान कितना है पी स्क्वायर, दूसरा भी पी स्क्वायर, बोले तो टू पी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर टू पी स्क्वायर, बोले तो अंडर रूट टू पी। मतलब क्या निकला कि जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होगा टोटल होगा वो कितना होगा, अंडर रूट टू पी होगा। दोबारा समझिए, एक दो सिस्टम है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ माइनस टू, इसका ध्रुव आघूर्ण पी इधर की ओर है और इसका इधर की ओर है, तो दोनों का परिणामी किधर आएगा, बीच में आएगा। दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा सब कुल आएगा, कुल वैल्यू आएगी, नियत मतलब सॉरी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसको हम लोग परिणामी मान रिजल्टेंट वैल्यू कह सकते हैं, नेट वैल्यू कह सकते हैं, वो बीच में आएगा। और जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो फार्मूला हम लोग इस तरह से कुछ लगाते हैं। क्लियर। वैसे आप समझ लीजिए, यदि आधार इसको लंब मान लें तो पाइथागोरस परमीय लगाएंगे तो कर्ण मिल जाएगा, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, और अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। कक्षा 11 के सदिश विधि भी लगा दीजिए, चाहो तो समानता चतुर्भुज लगा दो, लेकिन यहाँ 90 मान लीजिएगा, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, जो विधि चाहो सो लगाओ, आप पढ़ रखे हो बस, आपको आना चाहिए मेथड लगाने का। बाकी वेक्टर का समेशन जोड़ बहुत इजी है, आप क्लास 11 में अच्छे से क्लास 11 की बातें ना करो। चलिए ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए फर्स्ट, क्लियर, जल्दी नोट कीजिए। चलिए देखिए, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, लिखा है एक निकाय में दो आवेश क्यू ए बराबर इतना क्यू बराबर इतना बिंदु ए और बी पर स्थित हैं, तो हमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बताना है। तो इसका हम थोड़ा डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, क्लियर। ये मूल बिंदु होगा, कहा आएगा कि ये पॉइंट कहाँ है, जीरो का मतलब ये एक्स पर जीरो है, वाई पर कितना है 15, यानी वाई पर हम धन दिशा में 15 यूनिट जाएंगे, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया, और यहाँ पर कितना होगा, नीचे माइनस के और नीचे होगा ना, बी पॉइंट होगा, और ये इतना 15 है, ये इतना 15 है टोटल। अच्छा, ये हमारा जो दूरी दे रखा है सेंटीमीटर में, किस में है, सेंटीमीटर में, तो जो टोटल दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2L के बराबर 30 सेंटीमीटर, कितना आएगी यहाँ से यहाँ तक के लेके 30 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर क्यू ए पर आवेश है वो कितना है, 2.5 गुणे 10 के घात माइनस 7 कूलम, यहाँ पर माइनस 2.5 गुणे 10 के घात माइनस 7 कूलम। अब हम इनका द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर, मतलब बी से ये की ओर, यानी ऊपर की ओर होगी। क्लियर। अब हमारी जो 2L की वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है, यदि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-2 मीटर लगेगा। आवेश की वैल्यू यानी क्यू की वैल्यू परिणामी मान क्यू का दे रखा है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था, क्यू इंटू 2L लगाएंगे, 2 × 5 × 10⁻⁷ इंटू 3.2 × 10⁻², इसको यहाँ ऊपर सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा देखिए, 25 × 75, 10 ऐसे लगाइए, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10 के घाते −7 − 2 मिलकर −9, यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा 75 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। अच्छा, 9 को बदलना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 75 नैनो कूलाम मीटर, नैनो मतलब 10⁻⁹, या 75 कूलाम मीटर ही लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, ये आपका रहा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कुछ बढ़िया लेवल का है। एक त्रिभुज है, वो भी बेचारा समबाहु त्रिभुज है, बड़ी दुर्दशा है बेचारे की, जिसकी सभी भुजाएं ये हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 क्यू आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा है। तो कहा जा रहा है कि जो दोनों का भाई द्विध्रुव आघूर्ण होगा, बोलो होगा या नहीं होगा,
माइनस से प्लस की ओर, तो ये टू क्यू जो है इस पर हम माइनस क्यू एक प्लस क्यू इसको दे देंगे और एक प्लस क्यू इधर को दे देंगे। जब इधर का वाला प्लस क्यू होगा तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो हम मान लेंगे वेक्टर पी होगा। क्लियर? इधर वाला क्या होगा? वेक्टर पी ए भी होगा। इसका नाम पी वन दे दीजिए, इसका पी टू दे दीजिए। वैसे देखा जाए तो दोनों के आवेश बराबर है, दोनों की दूरी समान है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर पी वन का मॉडुलस जो होगा वेक्टर पी टू के मॉडुलस के बराबर होगा। मॉड लग गया मतलब परिमाण में बराबर है, ना कि दिशा में। ठीक है, अब यहां पर हम द्विध्रुव आघूर्ण पहले काउंट करेंगे कैसे होगा। तो इस शीर्ष को हम यहां मान लिए, अभी हमारा एक पहले त्रिभुज रहा होगा, थोड़ा देखिएगा फिगर ऐसे रहा होगा, जो इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण होगी उसकी दिशा कुछ ऐसे होगी और जो इसके कारण होगी वो ऐसे होगी, होगी नहीं होगी बोलो। अब दोनों वेक्टरों को जोड़ना है, अब दोनों वेक्टर को हम कैसे जोड़ेंगे? पहले दोनों के बीच का कोण मालूम है, तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, ये बेचारे 60 अंश तो ये 60 अंश। ठीक, अब दो वेक्टर दे रखा है, दोनों का परिमाण बराबर चाहे तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दें। कैसे? हमें वेक्टर पी नेट निकालना है, पी नेट निकालना है, तो फार्मूला क्या था समांतर चतुर्भुज का नियम? वेक्टर पी वन स्क्वायर वेक्टर पी टू स्क्वायर प्लस टू वेक्टर पी वन पी टू इंटू कॉस थीटा। ठीक, इसको लगा सकते हैं, यहाँ कह देंगे पी वन का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, ये भी हमारा पी स्क्वायर, क्योंकि दोनों परिमाण में तो क्या है बराबर है ना, और प्लस टू इंटू पी इंटू पी और कॉस 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? अच्छा, ये पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? और प्लस कॉस 60 अंश का मान एक बटा दो, दो से दो कट गया, कितना आ गया? पी स्क्वायर कितना आ गया? थ्री पी स्क्वायर रूट थ्री पी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पी, यानी जो टोटल नेट वैल्यू आएगी वो रूट थ्री पी आएगी। क्लियर? एक तो इस तरह कैसे लगा सकते, दूसरा तरीका भी हमारा हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या होगा इसको देखिए, इसको दो खंडों में बांटिए ऐसे करके, ये जिनके साथ बनाएंगे उनको कास ले लीजिए, तो ये बन जाएगा पी टू कास। अच्छा, ये पूरा कोण 60 तो आधा कितना होगा? 30 अंश, तो 30 अंश। ठीक है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? पी टू साइन 30 अंश हो जाएगा, हो जाएगा। इधर वाला भी 30 बनाएगा, तो ये जब इसके साथ लेंगे तो ये फिर दोबारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ लिख दे रहे हैं हम पी वन कास 30 अंश, तो इधर वाला साइन कंपोनेंट हो जाएगा पी वन साइन 30 अंश। दोनों की दिशा विपरीत है, परिमाण समान दोनों कट जाएंगे, जो परिणामी वैल्यू देगी यही तो दोनों मिलकर देंगे। तो यहाँ से हम यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा कहाँ लगाएं, तो जो वेक्टर पी होगा वो एक एक मिलकर दो, और पी इंटू पी पी स्क्वायर सॉरी पी रूट टू पी कास 30 अंश, और कास 30 अंश का जो मान होता है वो रूट तीन बटा काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा? रूट तीन पी, यानी जो हमारा वेक्टर पी आएगा टोटल आएगा नेट आएगा वो कितना आएगा? अंडर रूट तीन पी आएगा। आप चाहे समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएं, वेक्टर का नियम लगाएं, कोई भी फार्मूला लगाएंगे वही आना है और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ में आया तो इसको लगाइए, ये समझ में आया इसको लगाइए, दोनों समझ में आया दोनों लगाइए, कुछ ना आया कुछ मत लगाइए, एज योर विश, आपकी मर्जी है। ठीक, ओके दोस्तों, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 रहा, जिसमें हम लोग वैद्युत ध्रुव कवर किए, इसके बारे में चार न्यूमेरिकल किए हैं। कल जो हमारा चलेगा बहुत यूजफुल डेरिवेशन चलने वाले हैं, जिसमें कन्फर्म है बोर्ड परीक्षा में आप 90% आप कह सकते हैं श्योर है कि एक बोर्ड परीक्षा में आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। नहीं डेरिवेशन आएगा तो उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आएगा, जिसमें कल हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीन कंडीशन पढ़ेंगे, एक तो उसके अक्ष में पढ़ेंगे, दूसरा इक्वेटर पर पढ़ेंगे और तीसरा एनी पॉइंट पर पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 रहा, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका आपका कोई चार्ज नहीं लगता। ओके, गुड बाय।